पहले तेल पीता फिर उसको जहर को चूस देता। और आज गर्मी ज्यादा हुई है तो ये यहाँ से निकल के इधर आ चुका है, तो इसको वहाँ गर्मी से निकली यहाँ से निकला है। आपने साहब को कैसे देखा था? काम कर रहे थे हमारे मिसेज जो थे, बर्तन वर्तन साफ कर रहे थे और उसके बाद जो है ये कई दिन से निकल रहा है यहाँ। अच्छा। हाँ, बार बार दिखाई देता फिर छुप जाता है, तो हम इसके भी निगाह में लगे हुए थे। तो ये हमारे ब्रोज अंकल जी हैं। और ये कौन सा गांव है? गांव शमशेर है। ये शमशेर गांव है और यहाँ पे एक सांप को काफी दिन से देखा गया है। और कैसे कलर का था? ये ब्लैक है, काला काले कलर का देखा गया है। और उसको निकालने के बाद आपको जायका देते हैं, क्योंकि आज गर्मी ज्यादा हो रही है और ठंड की वजह से धूप से नहीं निकला है, तो शायद से इन्होंने सही से देख लिया है। वो तो बर्तन मांजने के लिए कौन था यहाँ पे? यहाँ मिसेज थी हमारी। तो कैसे देखा था आंटी जी आपने? यहाँ से निकल के इधर कमरे में पड़ गया हो। या चूल्हे के पीछे देखा था क्या आपने? हाँ, चूल्हे के पास से ऐसे। अच्छा अच्छा, यहाँ से निकला है। तो ये यहाँ बर्तन मांजी देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो वाइट नहीं किया इधर जा रहा तो शायद वाइट कर देता, तो कमरे के अंदर छिपा हुआ है, उसको निकाल के आपको जायका देते हैं। दोस्तों नहीं है ये इसके पीछे है। ये गर्मी की वजह से देखिए दोस्तों, ये गर्मी की वजह से आज निकला है, क्योंकि सुबह ठंड ज्यादा थी और आज गर्मी ज्यादा हुई है, तो ये यहाँ से निकल के इधर आ चुका है। शायद ये कहीं ऐसी जगह बैठा हुआ था ठंड की वजह से, तो इसको वहाँ गर्मी से निकली यहाँ से निकला है। ये भारतीय नाग इसी को ही गांव में कोबरा बोल देते हैं और इसी को ही नाग बोल देते हैं। और ये इसको बोलते हैं स्पेक्टिकल कोबरा। ये गर्मी की वजह से निकला है, ठंड में क्या होता है ये चले जाते हैं, धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं। और आपने देख लिया इसको, बहुत अच्छा करा। ये गुस्से में मुंह खोल के काटने की कोशिश कर रहा है। ये एक स्पेक्टिकल कोबरा है और इसके अंदर जो वेनम होता है इसका, वो होता है न्यूटॉक्सिन। तब भी ये वाइट करता है, ये छेड़ने पे वाइट करता है। देखिए मैं इसको छेड़ रहा हूँ, ये काटने की पूरी कोशिश में मुंह खोल के काटने की कोशिश कर रहा है। इसे अगर जानते हैं तो ही पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने आप से पकड़ने की कोशिश करते हैं बहुत से लोग, क्या होता है ये देखिए उन्हें पता नहीं होता और ये तुरंत वाइट कर लेता है। जब भी आपको वाइट करता है तो आपको अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, जो भी आपकी नजदीकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि इसकी जो वाइट है जब ये वैनम छोड़ता है शरीर के अंदर तो हमारे नर्व सिस्टम होता है उसको ये बिल्कुल डैमेज कर देता है। बड़ी मुश्किल से हाथ आया रहा है। ये आपने सही करा कि आपने इसको मारा नहीं है, मतलब हमें कॉल समय पे आपने कॉल करके बुला लिया, वरना
अगर आप कॉल नहीं करते तो हादसा हो सकता था किसी के साथ में भी। सबसे मेन बात क्या है कि हम लोग हर किसी को यही समझाते हैं कि अंधविश्वास में नहीं पड़ना किसी को भी। झाड़ फूक के चक्कर में जो लोग पड़ते हैं वो अपनी जान गवा बैठते हैं, तो इसलिए कभी भी किसी को भी अगर गलती से बाइट कर ले तो आपको कहीं नहीं जाना, सीधे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है। अच्छा। वहाँ पे आपको डॉक्टर आपको एंटीवेनम देंगे जिससे आपकी जान बच सकती है। इसके अंदर जहर भी है और दांत भी है, देख रहे हैं आपको? इसके अंदर जहर भी। कोबरा जब एक्टिव होता है तभी मुंह खोलता है, तभी बाइट करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि दांत है इसके अंदर, वेनम है, तभी इसको घमंड होता है, तभी मुंह खोलता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें न्यूरोटॉक्सिन वेनम होता है। अगर सही समय पर इलाज नहीं मिले तो व्यक्ति की 45 मिनट के भीतर मृत्यु हो सकती है। तो झाड़ फूक जैसे लोगों के मन में अभी भी अंधविश्वास है कि वो तेल पी के जहर उतार देता है, कुछ भी कर देता है, तो आदमी को इस चक्कर में नहीं पड़ना कभी भी। हाँ, नहीं नहीं, ये सब अंधविश्वास, ये सब अंधविश्वास है, सब अंधविश्वास है, इन चक्कर में कभी नहीं पड़ना है। और यहाँ पे जो बच्चे लोग और बड़े लोग हैं वो भी सेफ है और ये भी सेफ है। और आप कभी भी अपने आप से गलती ना करें, पकड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप पकड़ोगे तो आपसे हादसा हो जाएगा। तो आ जाइए आप भी, थोड़ी दो सवाल कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया है सांप, हमारे यहाँ तो निकलते रहे, ये कई बार देख लिया इसको और आज जो है ये तुमने पकड़ लिया, बहुत अच्छा करा इसका। आपने बहुत ही बढ़िया करा, इसको मारा नहीं और पकड़ लिया। मारने की हमने फोन नंबर दे दिया तुमने, तुम्हारा नंबर आ गया तो फोन कॉल में आप ऐसे पकड़ के जंगल में भेज कर देंगे। बहुत खुशी। हमने इस पेट को पकड़ा था और इसको हम यहाँ जंगल में रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। इसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं। दोस्तों काफी बड़े बिग साइज का है स्पेक्टल कोबरा, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, इसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे।